अब हमको खदशा यह है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार पुकार कर सक बैन दे दिया, वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा यह है, हम उम्मीद करते कि ना हो हमको सुन लीजिए हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे और हमारे आप भी थे, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे। और आखिर में हम आपको बताना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा इससे उस मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बात, वो कि रिलीजियस कैरेक्टर को रखने की बात थी या मस्जिद में से नमाज खत्म करने की बात। अब हमको खदशा यह है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार पुकार कर सक बैन दे दिया, वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा यह है, हम उम्मीद करते कि ना हो हमको सुन लीजिए हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे और हमारे आप भी थे, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे। और आखिर में हम आपको बताना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा इससे उस मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बात, वो कि रिलीजियस कैरेक्टर को रखने की बात थी या मस्जिद में से नमाज खत्म करने की बात। स्टे विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर न्यूज ब्रेक्स, एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड इवेंट्स। वी ब्रिंग यू स्टोरीज फ्रॉम योर नेबरहुड एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़।